नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजूम और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। दिल्ली के बेसमेंट कोचिंग हादसे के बाद एमपी में निगम और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। राजधानी भोपाल समेत तमाम प्रमुख शहरों में बेसमेंट के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में बेसमेंट में चल रहे 26 कोचिंग सेंटर्स में गड़बड़ी मिलने के बाद उन्हें सील कर दिया गया। वहीं जबलपुर, उज्जैन और दमोह में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद जयपुर में भी बड़ा हादसा। बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत। एमपी में बेसमेंट पर एक्शन जारी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई। अभी दिल्ली के बेसमेंट हादसे से लोग उभरे भी नहीं थे कि जयपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 का रेस्क्यू किया गया। रात को सोते समय घर के बेसमेंट में पानी भर गया जिससे ये हादसा हुआ। वहीं एमपी में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन जारी है। राजधानी भोपाल के साथ साथ इंदौर, दमोह और जबलपुर में भी बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। इंदौर में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने बेसमेंट में चल रहे 26 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। जबलपुर में भी बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों की जांच कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी भोपाल में 6 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील कर दिए गए। वहीं उज्जैन में भी कार्रवाई की गई। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद एमपी में प्रशासन अलर्ट है। इस तरह के किसी भी हादसे से निपटने के लिए बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 ने यह मुहिम शुरू की थी और उसके बाद देखिए लगातार हमारी ये मुहिम, न्यूज 18 की मुहिम रंग ला रही है और प्रशासन एक के बाद एक सेंटर्स पर एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। भोपाल के एमपी नगर में प्रशांत, जहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर भी इस तरह की अनियमितताएं पाई गई। बिल्कुल, ये कोचिंग हब है एमपी नगर जिसका जिक्र आप करें पढ़ा, और यहां पर दर्जनों ने बल्कि सैकड़ों में कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़े स्तर पर न केवल आईआईटी, आईआईटी जी और यूपीएससी तक की कोचिंग्स यहां पर कराई जाती हैं। लेकिन जहां भी जो गड़बड़ी है प्रशासन एक्शन में। इससे पहले भी एक बार एक कोचिंग में आग लगी थी, तब भी एक्शन में नजर आया था प्रशासन, और अब फिर एक्शन में है। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। वासु, लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक सेंटर पर सील लग रही, एक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल की ही बात की जाए तो लगातार यहां पर जो प्रशासन है वो अलर्ट है, क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, प्रशासन को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में, इलाकों में चेकिंग की जाए, तफ्तीश की जाए। अगर कोई भी कोचिंग सेंटर्स हो या कोई भी बिजनेस का केंद्र हो, सेंटर हो, वो नियमों के विरुद्ध चल रहा है। बेसमेंट में अगर कोई व्यावसायिक गतिविधि अवैध रूप से नियमों के खिलाफ चल रही है, लाइब्रेरीज चल रही है, क्लासेस चल रही है, तो उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का काम किया जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो तमाम सारी बिल्डिंग से उनमें पानी निकासी की सही व्यवस्था हो, इसके साथ ही इमरजेंसी एग्जिट भी हो, फायर एक्सटिंग्विशर जैसी जो व्यवस्था है उनका वहां पे रहना भी जरूरी है, ताकि अगर कोई भी अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। और दिल्ली में जो दर्दनाक हादसा घटना पेश आई थी, ऐसी घटना भोपाल में ना हो। हमने निगम अध्यक्ष से भी इस सिलसिले में बात की, उन्होंने भी बड़े साफ तौर पर कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, स्टूडेंट्स की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश से भोपाल में कोचिंग पढ़ने के लिए, कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचते हैं। यूपीएससी की कोचिंग हो, आईआईटी की कोचिंग हो, जेईई की कोचिंग हो, यहां पे बड़े पैमाने पे होती है। बैंक और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कराई जाती है, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी जान से किसी तरीके कोई खिलवाड़ ना हो, कोई रिस्क ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल वासु, रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता इंदौर से जुड़ गए। मिथिलेश, इंदौर का अगर जिक्र करें, इंदौर बहुत पहले से एजुकेशन हब रहा है, बड़ी संख्या में कोचिंग्स इंदौर में भी हैं, वहां की क्या स्थिति है, प्रशासन का मूड क्या है, वाकई एक्शन हो रहा है या फिर हम ये मानकर चलें कि अभी कुछ दिन जब तक ये खबर चर्चाओं में है तब तक एक्शन नजर आए, इसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात।
लगता है मिथिलेश तक हमारी आवाज पहुंची नहीं, लेकिन समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मुहिम जो रंग लाई है उसके बाद एक के बाद एक शहर में हम देख रहे हैं किस तरह के एक्शन हो रहे हैं। जबलपुर, दमोह, इंदौर में 26 सेंटर्स को सील किया गया, तो उज्जैन में भी एक्शन हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार एक्शन जारी है, कार्रवाई हो रही है। जो कोचिंग सेंटर्स हैं अगर प्रॉपर सिस्टम से नहीं चल रही तो फिर एक्शन बदस्तूर हो रहा है। इंदौर में क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा की रीजनल बैठक में अधिकारियों की लापरवाह रवैये पर मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज हो गए। मंत्री प्रहलाद पटेल बैठक के दौरान सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स न देने पर भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि क्या मजाक लगा रखा है, बैठक में तमाशा बना रखा है आपने। हम भी भारत सरकार से आए हैं, हमको ज्ञान मत बताओ। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पहला मौका था जब मंत्री प्रहलाद पटेल क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा की रीजनल बैठक में शामिल हुए थे। और 5 के आंच में आज के लिए इतना ही, चल लौटेंगे।